नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपसे बातचीत होगी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत डिस्टेंस माध्यम से चलने वाले कुछ पाठ्यक्रमों के आए हुए एडमिशन के नोटिफिकेशन को लेकर। जी हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस माध्यम से कुछ यूजी पीजी प्रोफेशनल कोर्सेज, साथ साथ कुछ डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलते हैं, उनका आया है एडमिशन का नोटिफिकेशन। यदि आप इस विश्वविद्यालय से करना चाहते हैं यूजी पीजी डिप्लोमा या बीएड, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्या है कोर्सेज, कितने कोर्सेज हैं, क्या लास्ट डेट है, सभी एडमिशन की जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। छोटा सा सिंपल सरल वीडियो होगा, जितना आपके पास समय है और जितना उचित लगे उतना वीडियो देख लीजिएगा। यूनिवर्सिटी का नाम सुन लीजिए, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र। क्या है नाम? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र। इस यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस माध्यम से, जिसे दूर शिक्षा बोलते हैं या मुक्त विद्यालय बोलते हैं, उसके निकले हैं स्नातक और प्रास्नातक के और साथ साथ कुछ डिप्लोमा कोर्सेज के फॉर्म, जिसके लिए आपको करना है यदि आवेदन तो कर दीजिएगा। उसकी डेट है अंतिम 30 अप्रैल 2021। आपने सही सुना, 30 अप्रैल 2021। अब आप पाठ्यक्रम सुन लीजिए। यदि आप पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन में अप्लाई करना चाहते हैं इन कोर्सेज में, तब आप अप्लाई ज़रूर कीजिए। पहला कोर्स है व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर, यानी कि इसका मतलब है एमबीए माध्यम कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है एमएसडब्ल्यू, यानी कि समाज कार्य में मास्टर्स। तीसरा है एमए हिंदी, और चौथा है पत्रकारिता में स्नातकोत्तर, जिसे मास्टर और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, यह इसके परास्नातक कोर्स हैं। ठीक है, आप चलते हैं स्नातक कोर्सेज में। पहला कोर्सेज है बीए ऑनर्स, जिसे हम बोलते हैं बीए कला, जिसे बोलते हैं। दूसरा है बीए इन पत्रकारिता, यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और बैचलर ऑफ आर्ट्स। इन दो पाठ्यक्रमों में आप यूजी में अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ यदि आप बैचलर ऑफ एजुकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि शिक्षा शास्त्र में, जिसे हम बीएड बोलते हैं, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो कि एक साल के हैं, जिसमें यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर दीजिए। कोर्सेज का नाम है नाटक और रंगमंच में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पहला कोर्स। दूसरा है मीडिया लेखन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा दूसरा कोर्स। अभी मैं सभी कोर्सेज की क्या क्या योग्यताएं एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वे भी बताऊंगा, और किस कोर्स की कितनी फीस है वो भी बताऊंगा, थोड़ा सब्र कीजिए। तीसरा कोर्स है डिप्लोमा का अनुवाद विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, और इन डिप्लोमा कोर्सेज में आप आवेदन तभी कर सकते हैं जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं इन किसी सब्जेक्ट में, याद रखिएगा। ठीक है, बीए के दौरान नहीं कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए तभी आप इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा कोर्सेज में। अगला डिप्लोमा कोर्स है क्रिएटिव राइटिंग, जिसे बोलते हैं सृजनात्मक लेखन में डिप्लोमा, और उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन एवं फिल्म प्रोडक्शन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्सेज। फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन एवं फिल्म प्रोडक्शन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, और एक डिप्लोमा और है पत्रकारिता एवं जनसंचार में, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 1 ईयर का है। फिर है PGDCA, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक है डिप्लोमा कोर्सेज जो कि आप बीए लेवल पे कर सकते हैं, यदि आप बीए बीकॉम बीएससी कर रहे हैं तब आप इस डिप्लोमा कोर्स को कर सकते हैं। इसका नाम है DCA, यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। पहला डिप्लोमा था पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और यह है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अलावा आप 6-6 महीने के भी कुछ लैंग्वेज कोर्सेज कर सकते हैं सर्टिफिकेट के साथ। लैंग्वेज कोर्सेज 6-6 महीने के, स्पेनिश लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, चीनी भाषा है, जर्मनी है, स्पेनिश है, चीनी है, जापानी है और फ्रेंच है। इन 5 भाषाओं में यदि आप 6 महीने का डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला एक कोर्स इसमें है नेतृत्व एवं प्रशासन में एक सर्टिफिकेट कोर्स और है इसमें 6 महीने का, उसके लिए भी। और एक कोर्स इसमें और है
3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है गैर सरकारी संस्थाओं के निर्माण एवं प्रबंधन। गैर सरकारी संस्थाओं के निर्माण एवं प्रबंधन 3 महीने का ये सर्टिफिकेट कोर्स है। इन सभी कोर्सेज में जो भी मैंने आपको बताए, अंतिम तिथि है फॉर्म को डालने की 30 अप्रैल 2021। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरना है। फॉर्म का क्या क्या कैसे कैसे स्टेप है उसके लिए विषय मैं आपको आगे बताऊंगा और एक PDF फाइल का लिंक भी दे दूंगा जिसमें आपको एज अ फिगर चित्र के रूप में विश्वविद्यालय ने समझाया है। एक PDF फाइल है, उससे आपको हेल्प हो जाएगी। MBA पाठ्यक्रम कि जो अवधि है वह कम से कम 2 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 4 वर्ष है और लगभग पहले वर्ष की 14,500, दूसरे वर्ष की 14,250 रुपये फीस रखी गई है। MSW की कम से कम अवधि 2 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 4 वर्ष है। दोनों वर्ष की फीस मिला के लगभग 21,000 है, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की मिला के। यदि आप मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करना चाहते हैं उसकी अवधि कम से कम 1 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष है, 12,250 इसका शुल्क है 1 साल का। MA इन हिंदी करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 वर्ष, कम से कम 2 वर्ष और दोनों वर्ष की फीस मिला के है 14,000 के आसपास। यदि आप BEd करना चाहते हैं तो ध्यान से सुन लीजिए, आपका ग्रेजुएशन में 50% अंक होना चाहिए जर्नल कैटेगरी के लिए। यदि आप BEd करना चाहते हैं डिस्टेंस माध्यम से तो 50% अंक जनरल कैटेगरी वालों के लिए होना चाहिए और साथ ही साथ OBC में नॉन क्रीमी लेयर, SC ST और PH कैंडिडेट का यदि ग्रेजुएशन में 45% अंक है तब वह भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ वे विद्यार्थी जिन्होंने NCTI द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति से अध्यापक शिक्षा का कोई कार्यक्रम पूर्ण किया, जैसे हम एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं, DLED बोलते हैं, JBT बोलते हैं, डाइट बोलते हैं, वे बच्चे भी इस BEd कोर्स को कर सकते हैं और इस BEd कोर्स को करने की अवधि कम से कम 2 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष रखी गई है और प्रत्येक वर्ष की फीस अलग अलग है, वह आपको पता लग जाएगी। यदि आप BA इन जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो कम से कम 1 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष, 7,500 रुपये प्रतिवर्ष की फीस है। यदि आप BA करना चाहते हैं तो लगभग 5,500 रुपये प्रतिवर्ष की फीस रखी गई है, इसका ध्यान रखिएगा। डिप्लोमा कोर्सेज आप सुन लीजिए, आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 वर्ष का कोर्स है, प्रतिवर्ष की फीस है 6,750। पत्रकारिता एवं जनसंचार में डिप्लोमा 1 वर्ष की फीस है 5,000 रुपये। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन एवं फिल्म प्रोडक्शन की फीस है 7,550 रुपये 1 साल की। क्रिएटिव राइटिंग का जो कोर्स है, एक सृजनात्मक लेखन डिप्लोमा वाला, उसकी फीस है 5,000 रुपये 1 साल की। अनुवाद विज्ञान में काफ़ी फीस है इसमें। और ये जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज में 12th मांगा गया है, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज में BA मांगा गया है, वह मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ, गलती मेरी हो गई है। PGDCA करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका BA पास होना चाहिए कम से कम, याद रखिएगा, ठीक है। और पत्रकारिता का डिप्लोमा करना चाहते हैं उसके लिए भी BA पास होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन के लिए भी आपका BA पास होना चाहिए। क्रिएटिव राइटिंग कोर्स के लिए भी आपका BA पाठ्यक्रम होना चाहिए। अनुवाद के लिए भी BA पास होना चाहिए। नाटक और रंगमंच का जो डिप्लोमा है उसके लिए भी आपका BA पास होना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है आपका BA नाटक में ही हो या फिर अगर मीडिया में कर रहे हैं तो इसमें ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, उसकी कोई बाध्यता नहीं है कि उन उन कोर्सेज में आपका वह कोर्स होना चाहिए। मीडिया लेखन की फीस 5,000 है। कंप्यूटर का जो डिप्लोमा है एक, जो मैंने बताया BA स्तर पर कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि 1 साल का है, उसकी फीस है 6,000 रुपये। और जो कंप्यूटर का मैंने एक डिप्लोमा बताया था जिसे हम बोलते हैं PGDCA, उसकी फीस है 6,750। अब चलते हैं भाषा वाले डिप्लोमा कोर्सेज पर, जो 6-6 महीने के भाषाओं के कोर्स है। पहले हम चलते हैं स्पेनिश भाषा में आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, किसी भी भाषा में आप कोई भी डिप्लोमा करना है, सर्टिफिकेट करना है, उसके लिए 12th पास होना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। गैर सरकारी संस्थाओं के निर्माण एवं प्रबंधन जो कि 3 महीने का कोर्स था, 12th पास होना चाहिए, कम से कम 3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का ये कोर्स है, 2,000 रुपये इसकी फीस है। स्पेनिश भाषा का कोर्स यदि आप करना चाहते हैं, प्रमाण पत्र 6 महीने का,
उसकी फीस है 3,000 रुपये, और जैपनीज़, जर्मनी, फ्रेंच, चीनी, इन सभी की फीस है 3,000-3,500 रुपये। और ये 6 महीने के जो डिप्लोमा कोर्स हैं इनको आप 6 महीने में पूरा कर सकते हैं और अधिक से अधिक 1 वर्ष में पूरा कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी मैंने आपको पाठ्यक्रम बताया, चाहे सर्टिफिकेट हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे 6 महीने का डिप्लोमा हो, चाहे पीजी डिप्लोमा हो, चाहे बीएड हो, चाहे बीए हो या एमए हो, ये सभी पाठ्यक्रम में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो करिए। और सभी का जो अध्ययन अध्यापन है वह आपका ऑनलाइन माध्यम से होगा। एग्ज़ाम देने के लिए आपको संस्थान में आना पड़ेगा। यदि कोविड का प्रकोप ऐसा ही रहा तो ऑनलाइन माध्यम से भी हो सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको बाय पोस्ट भी मिल सकता है या फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, वहाँ से भी मिल सकता है। वह जानकारी आपको फॉर्म भरते वक्त मिलती रहेगी। और जो भी नया अपडेट है आपके पाठ्यक्रम को लेकर, आपके कोर्सेज को लेकर, आपके अध्ययन अध्यापन एग्जाम को लेकर, उसके लिए जो भी भविष्य में आपको जानकारी चाहिए उसके लिए दूर शिक्षा निदेशालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की वेबसाइट को सर्च करते रहिए। फॉर्म भरते वक्त में, फीस पेमेंट में, डॉक्यूमेंट्स को लेकर या कोई और तकनीकी समस्या हो उसके लिए मैं विश्वविद्यालय की वेबसाइट, उनका ईमेल आईडी, उनका हेल्पलाइन नंबर सब आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन्हीं से आप संपर्क करिएगा भविष्य में, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन कैसे कहाँ करना है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। 30 अप्रैल 2021 इसकी लास्ट डेट है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यह थी छोटी सी सूचना महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के डिस्टेंस एजुकेशन के 2021 के सत्र के आए हुए एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। पीएचडी और एमफिल नहीं कराता है, यूजी और पीजी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और लैंग्वेज कोर्सेज करवाता है। लैंग्वेज कोर्सेज पहली बार आए हैं डिस्टेंस माध्यम से, बहुत अच्छी बात है ये, तो इन कोर्सेज को करिए। लैंग्वेज के लिए मैंने भी अप्लाई किया है, आप भी अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है। क्योंकि वर्तमान में मैं इसी विश्वविद्यालय से रिसर्च स्कॉलर हूँ, एक कोर्स कर रहा हूँ छोटा सा, 3-4 महीने में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए विश्वविद्यालय अच्छा है। और इस विश्वविद्यालय से आप डिस्टेंस और रेगुलर दोनों माध्यम से कोर्स कर सकते हैं। रेगुलर माध्यम के जो 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म है वह अगले महीने आने वाले हैं, उसकी भी सूचना आपको मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, कुछ समस्या, सुझाव, सवाल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, सलाम।